दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कोरोना वायरस से बचाव में सरकार और लोगों की मदद करने के लिए अब आगे आए हैं एक्टर फिल्म मेकर राघव लॉरेंस। ये वही राघव हैं जो अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बम के डायरेक्टर भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। राघव ने सोशल मीडिया पर बताया है कि वो अपनी एडवांस सैलरी यानी 3 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे। राघव ने इस बात की घोषणा करते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हेलो दोस्तों और फैंस, मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा अगला प्रोजेक्ट है थलाइवर यानी रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी 2। मैं खुद को लकी मानता हूँ कि थलाइवर की परमिशन और आशीर्वाद से मैं इस प्रोजेक्ट में एक्टिंग करने जा रहा हूँ। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे पी वासु सर और प्रोड्यूस करेंगे मेरे लकी प्रोड्यूसर सन पिक्चर्स के कलानिधि मारन सर। इस फिल्म की फीस का जो टुकड़ा मुझे एडवांस में मिला है, मैं उन 3 करोड़ रुपयों को कोरोना वायरस रिलीफ फंड में डालने का संकल्प लेता हूँ। राघव, इन 3 करोड़ रुपयों में से 50-50 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड और तमिलनाडु मुख्यमंत्री राहत कोष में डालेंगे। बाकी बचे पैसे फेफसी यानी फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया, डांसर्स यूनियन, दिहाड़ी मजदूरों और चेन्नई के रॉयल पुरम के दिव्यांग बच्चों को जाएंगे। अब थोड़ी पिक्चर की बात करें तो चंद्रमुखी 2005 में आई थी, रजनीकांत की फिल्म थी, ज्योतिका और नयनतारा भी थे इस फिल्म में। चंद्रमुखी का ये सीक्वल है। फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और बना दिए थे। चंद्रमुखी 2 में रजनीकांत वाला रोल राघव करेंगे, उन्होंने उनको रिप्लेस किया है और डायरेक्टर पी वासु इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर पिछले 1 साल से काम कर रहे थे। जैसे ही अब कोरोना वायरस वाला माहौल खत्म होता है तो फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी। इसके अलावा राघव अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बम के डायरेक्टर भी हैं। बीच में ये पता चला था, ऐसी बातें उड़ी थी कि लक्ष्मी बम से अलग हो गए हैं वो, क्योंकि कुछ क्रिएटिव इश्यूज थे, मगर फिर उन्हें जैसे तैसे मनाकर वापस लाया गया। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली हिंदी फिल्म है ये, जो ईद 2020 पर शेड्यूल्ड थी, लेकिन अब ऐसा कुछ हो पाने की संभावना नहीं नजर आ रही है। बाकी ये खबर यहीं तक है। आपको कुछ कहना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इसी और खबरों के लिए फॉलो करते रहिए दी ललन टॉप। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।